नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वार फिल्म के स्टार कास्ट की फीस के बारे में कि इस फिल्म के अंदर अभिनय देने के लिए कितने करोड़ रुपए चार्ज करे हैं इस फिल्म के एक्टर्स ने। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेहतरीन दमदार और शानदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें वार फिल्म की तो दोस्तों, सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म YRF के बैनर तले बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और इस फिल्म का बजट लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं पर इस फिल्म को 2 अक्टूबर 2019 को हम सबके बीच में रिलीज कर दिया जाएगा 4500 स्क्रीनों पे। वहीं पे दोस्तों, अगर हम बड़े इस फिल्म के स्टार कास्ट की फीस की तरफ तो दोस्तों, हमारे पहले नंबर पे है वाणी कपूर, जिन्होंने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 2 करोड़ रुपए और दोस्तों, फिलहाल में इन्होंने एक सर्जरी भी कराई है। वहीं पर दोस्तों, हमारे दूसरे नंबर पे है एक्शन एक्टर, जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ, जो कि एक टाइगर की तरह इस फिल्म के अंदर हमको नजर आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के अंदर इन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 13 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों, हमारे तीसरे नंबर पे है दीप नीता, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के अंदर इन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 80 लाख रुपए। वहीं पर दोस्तों, हमारे चौथे नंबर पे है सिद्धार्थ आनंद, जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट करने के लिए इन्होंने इस फिल्म के फीस ली है लगभग 10 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों, हमारे पांचवे नंबर पे हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े हैंडसम मैन, जी हां दोस्तों, ऋतिक रोशन सर, दोस्तों ये हर लुक में ढल जाते हैं, चाहे से एक्शन लुक हो, लव लुक हो या फिर दोस्तों एक टीचर का लुक हो। फाइनली इनकी फिल्म सुपर 30 में इन्होंने एक टीचर का रोल निभाया था, जो कि काफी बेहतरीन था। वहीं पर दोस्तों, वार फिल्म के अंदर ये एक चोर या फिर एक दुश्मन का रोल निभा रहे हैं, जो कि काफी डेंजर लुक है। वहीं पर दोस्तों, इस फिल्म के अंदर इन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है 48 करोड़ रुपए और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के अंदर काफी मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का जो बस क्रिएट हो चुका है वो एक हाई लेवल का है। वैसे दोस्तों, आपको इन पांचों में से कौन सा एक्टर पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ में आपको क्या लगता है कि यह फिल्म लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड़ का कर पाएगी, 300 करोड़ या फिर 350 करोड़। हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ में और साउथ के बेहतरीन दमदार और शानदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे रास्ते से हट जा, जो सीखा है आपसे सीखा है। गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं।